तो आज हम आ गए हैं ओप्पो की फैक्ट्री में, जहां हम देखने वाले हैं कि भाई फोन को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाय गाइस, मैं प्रवीण भंका और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो बस जल्दी से चलते हैं कि फोन कैसे बनते हैं, देखना है मेरे को यार। तो ये तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर गड़बड़ हो गई वहाँ पे कुछ तो हमें ही दिक्कत हो सकती है और फोन अच्छा नहीं बनेगा फिर। लेकिन फोन अच्छा बनाना है हमें तो नॉन स्टैटिक कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। ऑल सेट। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो SMT लाइनअप पे, और ये हमारे पास है बेयर बोर्ड, मतलब कि अभी बोर्ड में कुछ नहीं हुआ है, खाली पड़ा है बोर्ड, और इसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये चार मदरबोर्ड्स समझ सकते हैं आप, और ये आगे मोबाइल बनाएगा। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए, तो यहाँ पे है ये प्रिंटर, जिसमें कि आपका जो बेयर बोर्ड है वो आता है, एक तरह का स्टेंसिल हो गया वो, और उस पर ये कंपोनेंट्स पे सोल्डिंग वाला पेस्ट लगाते हैं, ताकि आगे जब कंपोनेंट्स लगेंगे तो उसके बाद सोल्डिंग आराम से कर सकें। तो अभी ये बोर्ड तैयार होकर आगे निकलेगा। तो अब वहाँ से बेयर बोर्ड में सोल्डिंग पेस्ट लग गया, और यहाँ पे इस मशीन में आया है इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन में आपका देखा जाता है, यहाँ स्क्रीन पे दिखाता है कि गुड है या बैड है। जैसे ही बैड होगा तो यहाँ पे जो आपका मैन पावर काम कर रही है वो चेक करती है निकाल के क्या प्रॉब्लम है, और उसको सही करती है, और फिर से प्रोडक्शन लाइनअप में वापस से हो जाएगा बोर्ड, और फिर से चेक होगा कि वो ओके है कि नहीं। तो सोल्डिंग पेस्ट के बाद अब लग रहे हैं यहाँ पे सारे कंपोनेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो आपको और मेरे को पता है वो है यहाँ पे, जो कि है प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपका मीडियाटेक का प्रोसेसर लग रहा है जो यहाँ पे फोन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा अब चल रहा है AOI, मतलब ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, जहाँ पे आपके सारे कंपोनेंट्स लग गए, और अब चेक हो रहा है कि एक आइडियल इमेज दे दी जाती है इनको, उस आइडियल इमेज के हिसाब से ये सही है कि नहीं वो देखा जाता है, और ये आगे पास हो जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। तो अब यहाँ पे बेयर बोर्ड आ चुका है, यहाँ पे कटिंग हो रही है। आप सोच रहे होंगे बेयर बोर्ड तो इतना बड़ा था तो एक फोन में तो नहीं लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें चार फोन के आपके मदरबोर्ड बना रहा है, और अब यहाँ पे वो कटिंग होकर सेपरेट हो जाएंगे चार मदरबोर्ड्स में। तो यहाँ पे आपका इंस्पेक्शन होगा कि सारे कंपोनेंट्स वगैरह लग गए, कटिंग अच्छे से हो गई, और अब आगे जाएगा। यहाँ सेगमेंट वाइज ग्लूइंग हो रही है, मतलब कंपोनेंट्स का आपको ग्लू लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि अगर फोन वोन कभी गिरे विरे तो ऐसा ना हो कि कंपोनेंट्स ही निकल जाए, तो वो इंश्योर किया जाता है यहाँ। तो यहाँ पे लग रहा है माइलर, माइलर मतलब कि एक स्टिकर जैसी चीज लगेगी आपको, लेकिन वो एक्चुअली में एक कुशन है जो कंपोनेंट्स के ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि कभी आपका फोन गिरे या फिर आपका कभी पानी वानी गलती चले जाए तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दे सके आपके कंपोनेंट्स को। तो ये आपका इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पे सारा लग जाए माइलर, और साथ साथ आगे जाके चेक किया जाता है कि माइलर अच्छे से लगा कि नहीं, और उसके बाद अगर नहीं लगा है तो उसको वापस से रिपीट किया जाता है इसी प्रोसेस में, और वो फिर से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सारा मदरबोर्ड है अब रेडी हो चुका है, और फाइनली इंस्पेक्शन हो रहा है, और फिर ये जाएगा असेंबली लाइन में, जहाँ पे एक्चुअली में आपको फोन दिखेगा। तो गाइस एक गेस गेम खेलते हैं, यहाँ जो मदरबोर्ड बन के जा रहा है वो एक्चुअली कौन सा फोन है, वो तो हमें आगे पता चलने वाला है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करिए कि कौन सा फोन है एक्चुअली में जो बन रहा है। तो अब आ चुके हैं हम असेंबली लाइनअप पे, और यहाँ पे जो सबसे पहले हो रहा है, हमारे पास एक फ्रेम आ चुका है जो कि पहले से बना बनाया आता है, और यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है कि सब कुछ सही है कि नहीं फ्रेम में। उसके बाद ये मशीन क्या करती है कि आपके चारों तरफ ग्लू लगाएगी, और वो ग्लू को चेक करने के लिए एक और मशीन है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि एक्चुअल में एक बारी में काम होगा ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है ताकि वो पूरा अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सब जगह आपको हर फोन में अच्छे से ग्लू लगा है, और ये चेक कर रहा है ग्रीन हो रहा है, मतलब कि ये सब ओके है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 100% एक्यूरेसी चल रही है अभी। तो यहाँ पे अब आपका लग रहा है डिस्प्ले, जिसके लिए ग्लू लगाया गया था, और यहाँ पे अब इसको रख दिया जाएगा एक बॉक्स में, जो कि सील करके रखा जाएगा 3 आवर्स के लिए, और उसके बाद ही ये आगे प्रोसेस पे जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आपका डिस्प्ले लग गया, और फोन पे अब जो 3 घंटे रहा था, तो उसमें अब चेक हो रहा है कि यहाँ पे कोई एयर तो नहीं रहेगा, लाइक कहीं पे ऐसा छूटा तो नहीं रहेगा, कहीं ग्लू अच्छे चिपका नहीं डिस्प्ले में या कुछ, तो यहाँ पे वो चेक होगा और पास हो जाएगा ऑब्वियसली।
सो अब यहाँ पे लग रहा है थर्मल जेल पेस्ट टाइप की चीज, जो कि आपके जो पीसीबी मदरबोर्ड जो लगेगा उसको थोड़ा ठंडा रखने में काम करता है। और हमारे जो मदरबोर्ड्स आपने देखे थे वो फाइनली यहाँ आ चुके हैं। तो अभी भी आप गेस कर पाए कि कौन सा फोन है ये? तो यहाँ पे अभी ये डस्ट फ्री रूम में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कैमरा लगा रहे हैं फ्रंट कैमरा, और देख सकते हैं कितना सीरियस प्रोसेस है कि हल्का सा भी डस्ट अगर चला गया तो वो आपको कैमरा में दिक्कत कर सकता है, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो भी फोन आपका डिस्प्ले लग गया और आपका कैमरा लग गया, और ये सारे कॉम्पोनेंट लग रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया रिसीवर, हो गया आपका वाइब्रेटर, हो गया और भी बहुत सारे जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हेडफोन जैक अगर है, चार्जिंग पोर्ट है, वो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स यहाँ लग रहे हैं। और मशीन से प्रॉपर प्रेसिंग करते हैं ताकि अगर ह्यूमन आपका प्रेस होगा तो कभी कभार आप ज़्यादा दबा दिए, कम दबा दिए, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रॉपर मशीन से आपको कनेक्शन होता है और सब में एक एक बार कोड लगा हुआ है, तो एक्चुअल में स्कैन करता है कि अच्छा इस फ़ोन में ये वाला बार कोड का कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, ताकि आपको पता रहे कि अगर गलती से कोई ख़राबी वगैरह आए तो उसमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये कॉम्पोनेंट में गड़बड़ है। और यहाँ पे आपका लग रहा है सबसे मेन कैमरा, रेयर कैमरा, और देख सकते हैं कितना छोटा सा कैमरा है लेकिन आपको कितनी अच्छी फोटोज देने वाला है ये कैमरा। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट प्रोसेस हुआ कि करंट पास करके चेक करते हैं कि सारे कंपोनेंट वगैरह ढंग से लग गए कि नहीं, उसके बाद बैटरी इंस्टॉल होती है, क्योंकि बैटरी से करंट जाएगा फिर कहीं कंपोनेंट खराब निकले तो बाद में चेक नहीं हो पाएगा। तो वो हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरवूक की बैटरी लग चुकी है अंदर। तो ये अब मशीनें, जो दो तीन मशीनें दिख रही होंगी आपको, ये प्रॉपर स्क्रू टाइट कर रही हैं कि सारे कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ सील हो गए, बैटरी लग चुकी है, उस पर एक और फ्रेम लगाया गया ताकि सब कुछ सील पैक हो जाए। और अब जा रहा है आपका बैक कवर लगने, तो अब हो गया है सब कुछ रेडी, सो होपफुली जल्दी से हमें फोन ऑन होते हुए दिखने वाला है। तो गाइस पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे सारे आगे जाके इंस्पेक्शंस होंगे कि सब कुछ कंपोनेंट सही चल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सारे फोन्स को आपका चार्ज किया जाता है 35% तक, ताकि आगे जो टेस्टिंग हो रही है वो आपको कर सके। सो गाइस अब यहाँ से टेस्टिंग चालू हो चुकी है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ऊपर जो ऑरेंज ऑरेंज बबल्स बने हुए हैं उनमें ग्रीन होते जाएगा, क्योंकि सारे टेस्टिंग सारे कंपोनेंट्स चेक होते जाएंगे, मतलब वो तो जरूरी है। तो यहाँ पे अभी फोन्स अपने इसमें रखे जाते हैं और ये पूरा बंद हो जाता है, और उसके बाद सारे कनेक्टिविटी जो भी ऑप्शन होते हैं, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया या 5G हो गया, वो सारे कनेक्शन चेक किए जाते हैं कि अच्छे से कनेक्टिविटी मिल रही है कि नहीं फ़ोन को। सो यहाँ पे हो रही है अभी कैमरा टेस्टिंग, देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा ऑन किए जा रहे हैं ताकि चेक कर सकें कि भैया आपका कैसा फोकस वगैरह कर रहा है, और आपको अगर फ़ोन हिला रहे हैं तो दिक्कत हो रही है कि नहीं, सब कुछ आपका कैमरा का सारी टेस्टिंग यहीं हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आपका टेस्टिंग हो रही है, जो भी आपके सारे सेंसर्स लगे रहते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया या फिर आपका नाइट सेंसर हो गया, आपका बहुत सारे सेंसर होते हैं, देख सकते हैं आप कैसे रोटेट कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं कि फ़ोन को सारे सेंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं, जो भी अगर फ़ोन हिला रहे हैं तो क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ से हमारी सारी टेस्टिंग हो चुकी है, और अब डल रहा है फ़ोन में ओप्पो का सॉफ्टवेयर, तो ताकि आपको नॉर्मली अब फोन दिखेगा और ओप्पो वगैरह दिखेगा आपको। और अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा था डिस्प्ले में क्या दिख रहा है, लेकिन अब आपका ओप्पो का कलर ओएस डल चुका है। सो गाइस जो हम अनबॉक्स करते हैं फोन और जो स्टिकर निकालते हैं वो यहीं पे लगता है। सो अब आ गए यहाँ पे हम ओप्पो के टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे हम 5 तरह के टेस्ट देखने वाले हैं, एनवायरमेंट टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, आपका सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं फोन में, आपका कैमरा का टेस्ट, और साथ साथ सेफ्टी टेस्ट। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो रहा है ह्यूमिडिटी टेस्ट, अलग से आपका ह्यूमिडिटी भी दी जाती है, जो कि यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी है और ये आपका टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी आपका 89 है। रिमझिम बरसा पानी और यहाँ पे गिर रहा है रिमझिम आपके ओप्पो फोन्स पे। यहाँ हो रही है आपकी IPX2 की टेस्टिंग, जो कि आपकी नॉर्मली हर फोन में टेस्ट किया जाता है, और देख सकते हैं यहाँ पे आपके फोन्स ऑन हैं और चल रहे हैं प्रॉपर, और ऊपर से बारिश हो रही है। सो यहाँ पे आ गए हैं हम रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में फोन का क्या हाल हुआ वो देखते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे रेगिस्तान में क्या हाल हुआ इसका। सो यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह डस्ट डस्ट है, और ये फ़ोन सरवाइव कर गया है।
इसका ये देखो ऑन हो गया, मतलब ये सरवाइव कर गया टेस्ट को। अब आ गए हम यहाँ पे तोड़फोड़ टेस्टिंग में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं ये फोन्स आपके अलग अलग बॉक्स में डालने वाला हूँ और ये रोटेट करेगी मशीन और प्रॉपर अंदर ये रोल होगा फोन, और उसके बाद देखते हैं बच पाता है कि नहीं। देख सकते हैं स्क्रीन ऑन है। आपको आवाज आ रही होगी डिस्ट्रक्शन की, कितना मजा आया मेरे को बटन दबाने में मैं बता नहीं सकता। अभी चेक करते हैं। देखिए कुछ नहीं हुआ, चल रहा है फोन। दिस इज ओप्पो का डिस्ट्रक्शन टेस्ट। फोन चल रहा है, मैं इसको हो गया। अब मैं ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिसमें कि फोन पे अगर आपके जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टैटिक एनर्जी बनती है तो उसके आपका कभी भी जा सकती है फोन पे। तो जैसे फोन पे बात कर रहे हैं कुछ हो, तो यहाँ पे अभी बैक कवर पे देख के देख रहे हैं ESD कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फोन कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलर सिग्नल टेस्टिंग हो रही है, जैसे कि वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह हो गया या फिर 2G 3G 4G हो गया। तो यहाँ पे आपका कभी कभार हम जैसे नॉर्मली एनवायरनमेंट में होते हैं तो वहाँ पे कभी 2G आ गया कभी 3G आ गया तो स्विच कर लेता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिर्फ 2G सिग्नल्स ही दिए जाते हैं ताकि चेक कर सकें कि भाई 2G कैसे काम कर रहा है इसका जो पर्टिकुलर बैंड में डाला गया है, और फिर बाद में 3G में पर्टिकुलर बैंड में जब डालते हैं सिग्नल तो कैसा काम कर रहा है। और उसके बाद ही आप ऊपर देख सकते हैं जो शील्ड चल रही है ऊपर नीचे, वो आपका जानबूझ के सिग्नल्स को डाइवर्ट कर रही है, और फिर भी देख रहे हैं कि फ़ोन कितने अच्छे से कैच कर पा रहा है सिग्नल्स को। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैमरा टेस्टिंग लैब में आ चुका हूँ मैं, और ये बड़े बड़े चार्ट जो लगा रखे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रेयर कैमरा 16 मेगापिक्सल का। तो उसके बाद यहाँ पे एक आपका प्रॉपर डिस्टेंस है उससे फ़ोटो खींची जाती है, और उसके बाद देखा जाता है कि कौन से लाइंस में ज़्यादा गैप्स हैं, मतलब तो उसके हिसाब से किस में गैप्स आपको ईजिली दिख रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पे आपका रेटिंग्स दे रखी है, उसके हिसाब से पता चलता है कि वो कैमरा कैसा काम कर रहा है, और जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो मीट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कैमरा अच्छा है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका वीडियो टेस्टिंग, जिसमें कि आप देख सकते हैं 10 वायर्स लगी हुई हैं फ़ोन के अलग अलग पार्ट्स पे। जब आपका वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है और मतलब बहुत देर तक, तो कहाँ पे आपका फ़ोन गर्म हो रहा है और क्यों गर्म हो रहा है फिर बाद में चेक किया जाता है। और टेम्परेचर्स आप उस स्क्रीन में देख सकते हैं कि अलग अलग फ़ोन के पार्ट पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब बन चुका है हमारा फोन रेडी। तो यहाँ पे हो रही है आपकी पैकिंग, देख सकते हैं अब कौन सा फोन मैं आपको बोला था गेस्ट करने के लिए। तो ये है आपका ओप्पो का A3 Pro 5G, जो हमारा असेंबली यूनिट देख रहे थे हम, और यहाँ पे आपकी सारी पैकिंग हो रही है। और देख सकते हैं जो आपका जो जा रहा है फोन, उस पर IMEI का स्टिकर रखा हुआ है जो कि आपको बॉक्स पे लगेगा, क्योंकि वो फोन उसके साथ आपका ऑब्वियसली कनेक्टेड है कि IMEI नंबर क्या है क्या नहीं, और वो स्टिकर आपके बॉक्स पे लगेगा और वही पैक होगा। देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग लगता है नहीं, मतलब हम अनबॉक्स करते हैं फोन को और यहाँ पे हम पैक होते हुए देख रहे हैं, तो प्रीटी इंटरेस्टिंग। गाइस मैं आ गया ओप्पो की फैक्ट्री से बाहर, और वो क्या बताऊं मैं, बहुत मजा आया, लाइक इट्स लाइक अ डिज्नीलैंड टू मी। एंड मेरा मन था कि एक ओप्पो का फोन निकाल के ले आऊं, लेकिन ओप्पो वाला ने लाने नहीं लिया। खैर आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ओप्पो फोन्स की अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 19mobiles को, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अब मैं ये सब बता देता हूँ।